गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसे कि हम अपना टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है, मेजरमेंट। तो ना हियर इज अवर न्यू यूनिट स्टार्टेड टुडे। ठीक है, नाउ फ्रॉम टुडे वी आर स्टार्टिंग अवर फर्स्ट यूनिट। ठीक है, आज हमारा पहला लेक्चर है, फर्स्ट वीडियो लेक्चर। नो इट इज सेकेंड, ऑल दो इट इज सेकेंड लेक्चर, बट अवर स्टार्ट फ्रॉम टूडे, दैट इज वाई इट इज द फर्स्ट लेक्चर, यू कैन से। ठीक है, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल वर्ड एंड मेजर, मेजरमेंट, वट इज मेजरमेंट? मेजरमेंट एक्चुअली इज अ कंपेरिजन, कंपेरिजन ऑफ टू क्वान्टिटीज या टू थिंग। सपोज एग्जाम्पल, इट इज अ कंपेरिजन बिटवीन टू थिंग्स, वन इज नोन एंड अदर इज अननोन, एंड वी आर मेजरमेंट द अननोन क्वान्टिटी बाई कंपेरिजन विद द नोन क्वान्टिटी। ठीक है, नोन क्वान्टिटी से हम अननोन क्वान्टिटी को कंपेरिजन करते हैं। सपोज एक इंच टेप लिया, हमने स्केल लिया, उसकी मेजरमेंट हमें मालूम है, एक मीटर का लिया। ठीक है, अब एक अननोन थिंग का हमें मेजरमेंट करें, लेंथ कितनी है, तो उसे क्या है, नोन क्वान्टिटी मेजरमेंट करने को अननोन को हम कंपेयर करते हैं। तो तब जाके हम उसकी लेंथ या कुछ भी ऐसे लेंथ के अलावा भी कुछ मास मेजर करना है या कुछ और मेजर करना है, तो इसी के आधार पर हमारा पूरा मेजरमेंट चलता है। ठीक है, ये तो गया बेसिक चीज। तो यहाँ पर डिफिनेशन है, द मेजरमेंट इज बेसिकली अ कंपैरिजन प्रोसेस। ठीक, कंपैरिजन प्रोसेस है, इट इज अ कंपैरिजन अननोन क्वांटिटी विद अ नोन क्वांटिटी, नोन को अननोन क्वांटिटी का नोन क्वांटिटी से कंपैरिजन कॉल्ड मेजरमेंट। ठीक है, फिर हमारा आता है मेजरमेंट के अंदर क्या होता है, हमारी फंडामेंटल यूनिट्स और ड्राइव यूनिट्स। इसके अलावा फंडामेंटल यूनिट बताना चाहता हूँ, आपने फिजिकल क्वांटिटीज, सम कुछ फिजिकल क्वांटिटीज होती है ना, उसमें भी क्या होती है, कैटेगराइज होती है ना, कुछ बेसिक यूनिट्स होती है, बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स होती है, उसी के जो बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज होती है। ठीक है, जो बेसिक होती है, और एक ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज होती है। तो बेसिक की जो यूनिट्स होगी, बेसिक क्वांटिटी की कुछ यूनिट्स होती है, दैट इज कॉल्ड अवर फंडामेंटल यूनिट्स, है ना। वैसे ही बेसिक ड्राइव यूनिट्स की क्या है, कुछ ड्राइव क्वांटिटीज की ड्राइव यूनिट्स होती है। ठीक है, कन्फ्यूज़ नहीं होना है। तो जो हमारी फंडामेंटल जो क्वांटिटीज है, उनकी जो यूनिट होगी, उसे कह लेंगे फंडामेंटल यूनिट। ठीक है, जो कि किसी और से ड्राइव नहीं होती, वो अपने आप ही, वो पर्टिकुलर उनको माना है हमने। ठीक है, पहले एज्यूम कर दिया। सपोज जैसे ड्राइव है, ड्राइव किसे मतलब किससे निकलेगी, वो फंडामेंटल की हेल्प से ही उसे हम फाइंड करते हैं। ठीक है, दे सपोज इसे पहले डिफिनेशन देख लेते हैं हम फंडामेंटल। तो फंडामेंटल द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, जो क्वांटिटीज है मेजरमेंट की, फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है, जो यूनिट है मेजर, जो हम मेजरमेंट कर रहे हैं, जो यूनिट फंडामेंटल, जिस फंडामेंटल क्वांटिटी जो मैंने बताई आपको, जैसे आप ले लीजिए लेंथ ले लीजिए, मास ले लीजिए, है ना, ये सब क्या आगे बीस फिजिकल क्वांटिटी, सात जो सेवन फिजिकल क्वांटिटीज होती है हमारी बेसिक, जैसे फंडामेंटल क्वांटिटीज बोलते हैं, उसकी जो यूनिट्स होगी उसे बोलेंगे हम फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है, तो उसी की बात करें, जो उसकी यूनिट होगी, तो यूनिट होगी मेजरमेंट की फंडामेंटल क्वांटिटीज की, विच आर नॉट ड्राइव फ्रॉम एनी अदर यूनिट्स, वो किसी और यूनिट से ड्राइव नहीं होती है। ठीक है सर, सपोज लेंथ, मास, टाइम, है ना, ऐसे ही और भी होती है, कैंडला लुमिनेसेंस इंटेंसिटी की, तो वो क्या हो जाएंगे हमारी फंडामेंटल यूनिट्स। और ड्राइव यूनिट्स क्या होती है, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज विच आर ड्राइव फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट से ही ड्राइव होती है। सपोज अगर मैं फोर्स बोलूँ, फोर्स की क्या होता है, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। और फोर्स किससे ड्राइव होता है, फिजिकल क्वांटिटीज, फोर्स, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास की भी मालूम है, मास एम होता है, वो भी यहीं से ही डिराइव्ड है ना। और जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी के वेलोसिटी स्पीड मान लीजिए, डिस्टेंस अपॉन टाइम, या वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वो भी किससे है, डिस्प्लेसमेंट लेंथ और टाइम की टी। तो वो कहाँ से सब ड्राइव यहीं से हो रही है, तो एनर्जी की जूल वो सब इससे ड्राइव हो रही है ना। तो इस क्वांटिटी, इसको क्या बोलेंगे हम, ड्राइव यूनिट्स। ठीक है, तो कन्फ्यूज नहीं होना है, जो फंडामेंटल यूनिट है वो फंडामेंटल क्वांटिटीज की जो यूनिट्स होगी उसे हम फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं, और ड्राइव क्वांटिटीज की जो यूनिट्स होती है उसे ड्राइव यूनिट बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपकी मेजरमेंट और फंडामेंटल और ड्राइव के बारे में मैंने आपको समझाया, इसे नोट कर लीजिए, है ना, कन्फ्यूज होंगे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, फिलहाल ये नोट करिए।